हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे हैरी पॉटर एंड गॉबलेट ऑफ फायर मूवी के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है कि मगल केयरटेकर फ्रैंक ब्राइस को रिडल हाउस में लाइट जलती हुई दिखती है। वो वहाँ जाता है और छिपकर बातें सुन लेता है कि पेटिग्रू और वोल्डेमॉर्ट और एक लड़का आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ नगीनी आ जाती है और जाकर वोल्डेमॉर्ट को बता देती है कि फ्रैंक सब कुछ सुन रहा है और वोल्डेमॉर्ट फ्रैंक को मार डालता है। ये सब हैरी सपने में होता देखता है। हरमाइनी उसे और रॉन को उठाती है और पूरा वीजली परिवार और हरमाइनी सुबह सुबह घर से निकल जाते हैं। उन्हें रास्ते में एमस डिग्री और सेड्रिक डिग्री भी मिलते हैं और वो सभी साथ में आगे बढ़ते हुए एक पुराने जूते के पास इकट्ठा होते हैं जो कि एक पोर्ट की होता है। उसे छूकर वो सभी कैंप पर पहुंच जाते हैं जहां 422nd क्विडिच वर्ल्ड कप होने वाला था, जहां का माहौल बहुत ही खुशी भरा होता है। वो लोग बाहर से साधारण दिखने वाले टेंट में घुसते हैं जो अंदर से बहुत ही बड़े घर जैसा होता है। क्विडिच वर्ल्ड कप शुरू हो जाता है जो बल्गेरिया और आयरलैंड के बीच में होता है, जहां ड्रेको भी आया होता है अपने पिता के साथ। बल्गेरिया की तरफ से सीकर विक्टर क्रम होता है जो बहुत ही फेमस खिलाड़ी होता है। मैच शुरू हो जाता है और आयरलैंड मैच जीत जाता है। रॉन क्रम का बहुत बड़ा फैन हो जाता है जिसने स्निच पकड़ी थी। पर जब सब टेंट में होते हैं अचानक से बाहर शोर होने लगता है क्योंकि वहां डेथ ईटर्स आ जाते हैं। भगदड़ मच जाती है और सब अलग अलग हो जाते हैं और हैरी गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो माहौल शांत हो चुका था, सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। हैरी देखता है कि एक आदमी आकर आसमान में कुछ बनाकर उसकी तरफ बढ़ रहा है, पर तभी वहां रॉन हरमाइनी उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं। आसमान में बने निशान से हैरी के स्कार में दर्द होने लगता है। तभी वहाँ मिनिस्ट्री के लोग भी आ जाते हैं। हैरी उन्हें बताता है कि उसने किसी को वहाँ देखा था, हालांकि वो उसकी शक्ल नहीं देख पाया था, और वो लोग उस तरफ चले जाते हैं जहाँ वो आदमी गया था। ये निशान मौत का निशान था। अगला सीन हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस का होता है जहाँ हैरी पहली बार चो को देखता है जो उसे काफी अच्छी लगती है। हरमाइनी हैरी को कहती है कि वो सपने वाली बात और निशान में दर्द की बात सीरियस को बता दे, और हैरी सीरियस को हेडविक से चिट्ठी भिजवा देता है। पर इस बार हॉगवर्ट्स में सिर्फ हॉगवर्ट्स के ही बच्चे नहीं होते बल्कि दूसरे दो स्कूलों से भी बच्चे आते हैं। एब्रेक्सन हॉर्सेस पर बॉबेटन से लड़कियां और शिप से डर्मस्टैन के लड़के, जिसमें क्विडिच वर्ल्ड कप वाला विक्टर क्रम भी होता है। डंबलडोर बताते हैं कि इस साल ट्राइविजार्ड टूर्नामेंट होगा जिसमें सिर्फ यही तीन स्कूल के एक एक बच्चे हिस्सा लेंगे। फिर वो दूसरे स्कूल के बच्चे और उनके साथ आए हेडमास्टर इगोर कारकॉफ और हेडमिस्ट्रेस मैडम मैक्सिम, जो कि बहुत लंबी औरत होती है, उनका स्वागत करते हैं। तभी वहाँ मैडा मूडी, जो कि एक एक्स ऑरर होते हैं, वो भी आ जाते हैं जो अपने ही फ्लास्क से कुछ पी रहे होते हैं। बार्टिमियस क्राउच और डंबलडोर टूर्नामेंट के रूल समझाते हैं कि 17 साल से बड़े बच्चे ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और एक बार अगर नाम आ गया तो कंपटीशन से आप पीछे नहीं हट सकते। जीतने वाले को ग्लोरी और ट्रॉफी कब दिया जाएगा, और कंपटीशन में तीन लाइफ थ्रेटनिंग टास्क होंगे जिन्हें ज्यादा पॉइंट से जीतने वाला चैंपियन बन जाएगा, और सिलेक्शन के लिए उनको गॉबलेट ऑफ फायर में अपना नाम डालना होगा ताकि अनबायस्ड वे में स्कूल के चैंपियंस का सिलेक्शन हो। अगले दिन पहली क्लास मूडी की होती है जो उन्हें डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स पढ़ाने आए थे। वहाँ वो बच्चों को अनफॉर्गिवेबल कर्स सिखाते हैं जिसे करना मना होता है, और करते ही उस जादूगर को अज़्ज़बान भेज दिया जाता है। ये तीन होते हैं, इंपेरियस कर्स यानी सम्मोहित करने वाला शाप, क्रूशियटस कर्स यानी पीड़ित करने वाला शाप, और किलिंग कर्स यानी मार देने वाला शाप, जिससे आज तक बस एक ही इंसान बच पाया था और वो था हैरी पॉटर। नेविल काफी डिस्टर्ब हो जाता है क्लास के बाद, इसलिए मूडी उसे साथ ले जाते हैं। अगले सीन में 17 साल से बड़े इंटरेस्टेड बच्चे बारी बारी अपना नाम गॉबलेट ऑफ फायर में डाल रहे होते हैं। सेड्रिक भी अपना नाम डालता है। फिर फ्रेड और जॉर्ज उम्र बढ़ाने वाला काढ़ा पीकर उस घेरे को पार कर जाते हैं जो 17 साल से कम के बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करता था। पर जैसे ही वो गॉबलेट में अपना नाम डालते हैं उसमें से लपट उठने लगती है और दोनों की दाढ़ी उगाती है और वो भी सर्कल के बाहर फेंक जाते हैं। फिर क्रम भी आकर अपना नाम गॉबलेट ऑफ फायर में डालता है। अगले सीन में चैंपियंस का सिलेक्शन होना होता है जिसमें बॉबेटन से फ्लोर डेलको, ड्रमस्टैंग से विक्टर क्रम और हॉगवर्ड से सेड्रिक चुन लिए जाते हैं। पर तभी गॉबलेट ऑफ फायर में से एक और नाम निकलता है और वो हैरी पॉटर का होता है। दूसरे दोनों हेडमास्टर नाराज हो जाते हैं कि ये चीटिंग है कि एक ही स्कूल से दो बच्चे क्यों चुने गए, और हैरी तो 17 साल का भी नहीं है। पर क्योंकि अब गॉबलेट से उसका नाम निकल आया था तो हैरी को कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना ही होगा। डंबलडोर मैगोनिकल सब परेशान हो जाते हैं और डंबलडोर मूडी से कहते हैं कि वो हैरी पर निगाह रखे क्योंकि वो बहुत डरा हुआ होगा।
उधर रॉन हैरी से गुस्सा हो जाता है कि हैरी ने उसे बिना बताए अपना नाम गॉबलेट ऑफ फायर में क्यों डाला। हैरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने नहीं किया, पर रॉन नहीं समझता। अगले दिन रीटा स्कीटर, जो कि डेली प्रॉफिट पेपर की एडिटर होती है, उन सब का इंटरव्यू लेने आती है, पर वो सिर्फ हैरी का इंटरव्यू लेती है, जिसमें वो खुद बातें उसके माँ बाप की तरफ ले जाती है, और उसकी क्विल, जो सब कुछ खुद ही लिख रही होती है, लिखती है कि हैरी की आंखों में आंसू आ गए जब बात उसके माँ बाप पर पहुंची, जो कि बिल्कुल झूठ था। अगले सीन में हैरी के पास सीरियस के जवाब वाली चिट्ठी आती है, जिसमें लिखा होता है कि ग्रिफिंडोर के कॉमन रूम में वो अकेले उस रात को 1 बजे मिले। हैरी रात को 1 बजे कॉमन रूम जाता है, वहाँ उसे वो पेपर दिखता है जिसमें रीटा ने उठपटांग बातें छापी होती है। वो गुस्से में पेपर को अंगीठी की आग में फेंकता है, पर वहाँ से आवाज आती है। सीरियस का सर लकड़ियों के बीच में दिखता है। वो हैरी से सपने में दिखे उस तीसरे आदमी के बारे में पूछता है, पर हैरी उसे नहीं पहचानता था। सीरियस कहता है कि हॉगवर्ट्स अब सेफ नहीं, क्योंकि इगोर कारक्रॉफ एक डेथ ईटर था और बार्टी ने अपने ही बेटे को अज़्गबान भेज दिया था। पर तभी वहाँ रॉन आ जाता है और सीरियस वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हरमाइनी हैरी को कहती है कि उसे रॉन, सीमस, पार्वती और डीन से पता चला है कि हैग्रिड उसे ढूंढ रहा है। हैरी हैग्रिड से मिलने जाता है और उसे पता चलता है कि उसका पहला मुकाबला ड्रैगन से होगा, जो हैग्रिड मैडम मैक्सिम को भी बता देता है। अगले दिन हैरी सेड्रिक को भी बता देता है, क्योंकि फ्लर और क्रम को भी पता चल चुका था कि उन्हें ड्रैगन का सामना करना है और मुकाबला बराबरी का हो, इसलिए सेड्रिक को भी ये पता होना चाहिए, पर उसे ऐसा करते मूडी देख लेते हैं। ड्रेको हैरी को टॉन्ट कर रहा होता है और उस पर पीछे से हमला करने वाला होता है, पर मूडी एंड टाइम पर आकर ड्रेको पर हमला करके उसे एक नेवले में बदल देते हैं, जिसे मैगोनिकल ठीक कर देती है, और मूडी हैरी को साथ ले जाते हैं और टूर्नामेंट में उसकी हेल्प करते हैं। वो उसे बताते हैं कि वो उड़ने में अच्छा है, इसलिए अपनी छड़ी का यूज करके वो झाड़ू मंगा ले। अगले दिन टूर्नामेंट का दिन होता है और चारों चैंपियंस टेंट में वेट कर रहे होते हैं, जब हरमाइनी हैरी से मिलने आती है, पर रीटा स्कीटर उनकी फोटो ले लेती है। हालांकि विक्टर क्रम रीटा को वहां से जाने का कहता है। डंबलडोर और क्राउच आकर उन्हें बताते हैं कि उन्हें किस ड्रैगन का सामना करना है और मेन टास्क है गोल्डन एग लाना, क्योंकि उसी में नेक्स्ट स्टेज का क्लू है। सब बारी बारी जाकर ड्रैगन्स को हराते हैं और गोल्डन एग ले आते हैं। हैरी की बारी आती है, जिसमें उसे सबसे ज्यादा खतरनाक ड्रैगन हंगेरियन हॉर्नटेल का सामना करना था। वो एक्यो स्पेल से फायरबोल्ट बुलाता है और उड़कर ड्रैगन से दूर चला जाता है और अपने फुर्तीलेपन से वापस आकर गोल्डन एग को उठा लेता है। ग्रिफिंडोर कॉमन रूम में सब उसकी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। हैरी सुराग के लिए अंडा खोलता है, पर उसमें से भयंकर चीख की आवाज आती है और वहाँ रॉन आ जाता है, जिसे रियलाइज हो चुका था कि यह मौत का सौदा था और हैरी ने अपना नाम नहीं डाला होगा, और दोनों में फिर से दोस्ती हो जाती है। अगले दिन ब्रेकफास्ट में हैरी चो को देख रहा होता है, पर हरमाइनी बताती है कि रीटा ने बकवास छापी है पेपर में कि उसका और क्रम का चक्कर चल रहा है, और रॉन का तभी एक पार्सल आता है जिसमें फॉर्मल ड्रेस रोब होती है, जो रॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उन्हें पता चलता है कि यूल बॉल होने वाला है क्रिसमस ईव को, जहाँ रॉन एलॉइस मिडजेन की हेल्थ का मजाक बना रहा होता है, पर मैगोनिकल देख लेती हैं और उसी के साथ सबको फॉर्मल डांस सिखाती हैं। अब इम्पोर्टेंट टास्क था पार्टनर ढूंढना, जिसमें हैग्रिड सबसे पहले बाजी मारता है और मैडम मैक्सिम को पटा लेता है। पूरा स्कूल पगला जाता है, कई लड़कियां क्रम के पीछे घूम रही होती हैं कि वो उन्हें बॉल में ले जाए, और वहां ही हैरी और रॉन परेशान होते हैं कि वो किसी से भी पूछ नहीं पा रहे। ऐसे तो बस वो दोनों ही बचेंगे, पर जब रॉन फ्रेड से पूछता है कि वो किसके साथ जा रहा है, तो फ्रेड पास में बैठी एंजेलिना से पूछता है और वो उसे हाँ कह देती है। रॉन को ये देखकर अकल चलती है और वो हरमाइनी से पूछता है, पर हरमाइनी कह देती है कि उससे पहले ही किसी और ने पूछ लिया है और उसने हाँ भी कह दिया है, पर वो बताती नहीं है कि वो किसके साथ जा रही है। हैरी उल्लू घर जा रहा होता है और फाइनली उसे चो अकेले में मिलती है। वो उससे पूछता है कि क्या वो बॉल में उसके साथ जाएगी, पर चो मना कर देती है क्योंकि चो से भी पहले ही किसी ने पूछ लिया था। अब हैरी और रॉन दोनों के पास कोई पार्टनर नहीं था, और अगले दिन बॉल था। तभी हैरी को सामने से पार्वती और पद्मा आती हुई दिखती है और हैरी उनसे पूछ लेता है। अगले दिन सब बच्चे रेडी होकर ग्रेट हॉल पहुंचते हैं। रॉन को अपने लुक्स को लेकर बहुत डाउट हो रहा होता है। वो दोनों भी ग्रेट हॉल पहुंचते हैं और पाटिल सिस्टर्स उनके पास आ जाती हैं, और रॉन पद्मा के साथ ग्रेट हॉल में चला जाता है और हैरी को पार्वती के साथ बाकी के चैंपियंस के साथ जाना होता है। वो देखता है कि चो सेड्रिक के साथ आई है और हरमाइनी सीढ़ियों से उतरती हुई आती है, जो बहुत सुंदर दिख रही होती है, और वो विक्टर क्रम के साथ होती है। चारों चैंपियन ग्रेट हॉल पहुंचते हैं, पर रॉन हरमाइनी को देखकर चिढ़ जाता है।
चारों चैंपियन अपने पार्टनर के साथ डांस करते हैं। जिनी नेवल के साथ आई होती है। धीरे धीरे सारे बच्चे डांस फ्लोर पर आ जाते हैं और जब म्यूजिक फास्ट हो जाता है सब झूमने लगते हैं, पर हैरी और रॉन अपने पार्टनर के साथ बैठे होते हैं और हैरी चो को और रॉन हरमाइनी को ताड़ रहा होता है और मौका पाते ही पार्वती और पद्मा वहां से चली जाती हैं। हरमाइनी को क्रम के साथ देखकर रॉन को इतना गुस्सा आता है कि वो हरमाइनी से लड़ लेता है और उसे रुला देता है। रॉन और हैरी रूम में आकर सो जाते हैं, पर रात को हैरी को फिर से वही सपना आता है जिसमें वो कब्रिस्तान में होता है और फिर से रिडल हाउस पहुंच जाता है, पर नेविल के आ जाने से उसका सपना वही टूट जाता है जहां पिछली बार टूटा था। अगले सीन में हरमाइनी हैरी को डांट रही होती है कि नेक्स्ट टास्क के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं और हैरी ने अब तक गोल्डन एग से सुराग नहीं ढूंढा है। और तभी वहां सेड्रिक आ जाता है जिससे हैरी चो के चलते नाराज होता है, पर सेड्रिक उसे आइडिया देता है कि वो प्रिफेक्ट्स के बाथरूम का यूज करके एग से क्लू जाने। हैरी बाथरूम जाता है और एग खोलता है, पर चीखने की आवाज ही आती है, पर मॉर्निंग मार्टल आ जाती है और उसे बताती है कि सेड्रिक ने इसे पानी के नीचे खोला था। हैरी ऐसा ही करता है और उसे क्लू मिल जाता है जिसमें कि एक पोएम होती है जिसकी लाइन होती है कि हमारी आवाज ग्राउंड के ऊपर सुनाई नहीं देती है और आकर 1 घंटे में उस चीज को ढूंढो जिसे हम ले आए हैं। अगले सीन में हैरी रॉन और हरमाइनी को क्लू बताता है। वो लोग उसे डिकोड कर लेते हैं कि ब्लैक लेक से उन्हें कोई चीज 1 घंटे में लानी है, बस प्रॉब्लम ये है कि 1 घंटे तक पानी में सांस कैसे रोका जाए। पर इससे पहले कि वो सॉल्यूशन निकालते मूडी रॉन और हरमाइनी को वहां से ले जाते हैं और नेविल को हैरी की मदद के लिए लगा जाते हैं, जहां नेविल हैरी को गिलीवीट के बारे में बताता है। अगले दिन सेकंड टास्क स्टार्ट होता है और नेविल हैरी को गिलीवीट देता है। रॉन और हरमाइनी कहीं दिख नहीं रहे होते, सब ब्लैक लेक के पास इकट्ठा होते हैं और हैरी गिलीवीट खा लेता है और मूडी उसे पानी में धक्का दे देता है, पर कुछ ही सेकंड में हैरी के गिल्स उगाते हैं और साथ ही हाथ और पैर जालीदार हो जाते हैं। अब वो आसानी से पानी में सांस ले सकता था और तेजी से तैर सकता था। हैरी आगे बढ़ता है जिसमें उसे रस्ते में कई मर पीपल और मैजिकल मरीन बीस्ट दिखते हैं। फ्लर को बीच में ही टास्क छोड़ना पड़ जाता है क्योंकि एक बीस्ट उस पर हमला कर देता है। जल्दी ही हैरी को हरमाइनी, चो, रॉन और एक छोटी बच्ची बेहोश दिखते हैं। हैरी देखता है कि बाकी कोई आसपास नहीं, पर जल्दी ही वहां पे सेड्रिक आकर चो को ले जाता है और क्रम हरमाइनी को बचाकर ले जाता है। अब बस रॉन और वो बच्ची रह गए थे। हैरी दोनों को ले जाने की कोशिश करता है, पर मर पीपल उस पर हमला कर देते हैं कि वो सिर्फ एक को ही ले जा सकता है। अब टाइम खत्म होने वाला था, उसके गिलीवीट का असर भी खत्म होने लगता है और कई मरीन बीस्ट उस पर हमला कर देते हैं, पर हैरी किसी तरह उन दोनों को बचाकर ऊपर ले जाता है। फ्लर अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो जाती है और हैरी और रॉन को धन्यवाद देती है। सेड्रिक टास्क में फर्स्ट आता है और दूसरों की हेल्प करने के लिए हैरी को सेकंड पोजीशन दिया जाता है। विक्टर थर्ड पर रहता है और फ्लर फोर्थ पर। टास्क के बाद पार्टी में स्क्राउच हैरी से बात कर रहे होते हैं, पर मूडी वहां आ जाते हैं और क्राउच को कुछ अजीब सा दिखता है। रॉन, हैरी, हरमाइनी हैग्रिड से मिलने जाते हैं और जंगल के आसपास घूम रहे होते हैं, जहां हैरी को बार्टी क्राउच मरे हुए दिखते हैं। हैरी ये बताने के लिए डंबलडोर के ऑफिस जाता है, जहां कुछ जादूगर बातें कर रहे होते हैं, जिसमें डंबलडोर फज को कह रहे होते हैं कि टूर्नामेंट को यहीं पर कैंसिल कर दो क्योंकि किसी की डेथ हो गई है, पर फज नहीं मानते। हैरी अंदर जाता है, डंबलडोर और मूडी फज के साथ बाहर चले जाते हैं और हैरी को ऑफिस में पेंसिव मिलता है। हैरी उसमें झांकता है और एक कोर्ट में पहुंच जाता है, जहां इगोर कारक्रॉफ की सुनवाई हो रही होती है, जो एक डेथ ईटर होता है, और उसने सौदा किया होता है कि वो दूसरे डेथ ईटर्स का नाम बता देगा जिससे उसे छोड़ दिया जाए। वो कई डेथ ईटर्स के नाम बताता है, पर वो सब काम के नहीं होते। वो स्नेप का भी नाम लेता है, हालांकि डंबलडोर कहते हैं कि स्नेप पहले से ही उनसे मिल चुका था, पर कारक्रॉफ का कहना होता है कि ये सब नाटक है और स्नेप वोल्डेमॉर्ट का ही वफादार है। और लास्ट में वो बार्टी क्राउच जूनियर का नाम लेता है, जिसने क्रूशिएटस कर्स से लॉन्गबॉटम्स को पागल कर दिया था, और वो कोई नहीं बल्कि बार्टी क्राउच का ही बेटा है जो एक्चुअली इस कोर्ट के हेड होते हैं। बार्टी क्राउच जूनियर को पकड़ लिया जाता है और अज़्काबान भेज दिया जाता है। हैरी वापस प्रेजेंट में आ जाता है, जहां डंबलडोर खड़े होते हैं। हैरी उन्हें बताता है कि उसने बार्टी क्राउच जूनियर को अपने सपने में देखा था और उसे ये सपने अक्सर आते हैं। डंबलडोर को कुछ समझ आ जाता है, पर जब हैरी वापस जा रहा होता है उसे इगोर और स्नेप डार्क मार्क के बारे में बात करते नजर आते हैं। स्नेप को शक था कि हैरी और उसके दोस्त फिर से पॉलीजूस पोशन बना रहे हैं क्योंकि उससे रिलेटेड सामान ही स्टोर से गायब हो रहे थे। अगले दिन फाइनल टास्क होता है, जहां मेज से ट्राइविजार्ड चैंपियनशिप कप को सबसे पहले लाना होता है।
सेड्रिक और हैरी फर्स्ट पोजीशन पर होने के कारण सबसे पहले जाते हैं। वो सभी मेज में आगे बढ़ते हैं, पर क्रम पर किसी ने जादू किया था और वो फ्लर को घायल कर देता है। पर जब हैरी सामने आता है तो वो उसे कुछ भी नहीं करता। हैरी भागता है और उसे कब दिखता है, पर वहाँ सेड्रिक और क्रम भी पहुँच जाते हैं, जिसमें क्रम सेड्रिक पर मंत्र मारने ही वाला होता है, पर सेड्रिक उसे डिसार्म कर देता है। और अब हैरी और सेड्रिक कब की तरफ बढ़ते हैं, पर हेजेस और ब्रांचेस उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें सेड्रिक फंस जाता है। हैरी उसकी मदद करता है और वो दोनों एक साथ कप को छूते हैं, पर कप एक पोर्ट की होता है और वो दोनों उसी कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं जिसका सपना हैरी देखा करता था। हैरी देखता है कब्र के ऊपर टॉम रिडल का नाम होता है। वो जब तक सेड्रिक को कहता है कि हमें वापस जाना होगा, पेटिग्रू आता है अजीब से दिख रहे वोल्डेमॉर्ट को गोद में लेकर। हैरी के सिर के निशान में दर्द होने लगता है। वोल्डेमॉर्ट पेटिग्रू से कहता है कि दूसरे को मार दो, और पेटिग्रू एक सेकंड में सेड्रिक को मार डालता है। पेटिग्रू हैरी को उठाकर कब्र की मूर्ति से बांध देता है और पास में बड़े से पॉट में उबल रहे पोषण में वोल्डेमॉर्ट के शरीर को डालता है। टॉम रिडल यानी वोल्डेमॉर्ट के पिता की कब्र से हड्डी निकालकर उसे पॉट में डालता है, अपने हाथ का सेक्रीफाइस देता है और दुश्मन यानी हैरी का खून लेता है और उसे भी पॉट में डाल देता है। और देखते ही देखते वोल्डेमॉर्ट पूरे शरीर के साथ जिंदा हो जाता है। वो पेटिग्रू के डार्क मार्क से डेथ ईटर्स को बुलाता है और सात डेथ ईटर्स वहां आ जाते हैं, जिसमें लूसियस मैल्फॉय भी होता है। वोल्डेमॉर्ट सबको कहता है कि वो लोग धोखेबाज हैं और उसे ढूंढने नहीं आए, पर पेटिग्रू कहता है कि वो लौटा था और इसलिए वोल्डेमॉर्ट उसके कटे हाथ को सिल्वर हैंड देकर ठीक कर देता है। वोल्डेमॉर्ट सेड्रिक को देखता है, पर हैरी बोलता है कि उसे छूना मत, और वोल्डेमॉर्ट का ध्यान जाता है कि हैरी भी वहां पर है। और फिर वोल्डेमॉर्ट बताता है कि आखिर 13 साल पहले क्या हुआ था, कैसे लिली ने हैरी के लिए अपने प्यार के चलते अपनी जान दे दी थी और हैरी पर अल्टीमेट प्रोटेक्शन हो गया था जिसे वोल्डेमॉर्ट पार नहीं कर पाया और उसकी सारी शक्तियां चली गई। और अब क्योंकि उसके अंदर भी वही खून है, इसलिए वो हैरी को आसानी से छू सकता है, जिससे हैरी को बहुत दर्द हो रहा था। वोल्डेमॉर्ट हैरी को फ्री करता है और कहता है कि ड्यूलिंग करेंगे, और वो हैरी पर क्रूशिएटस कर्स करने लगता है। उसके बाद वो हैरी को खड़ा करता है, पर जब तक वो हैरी पर मंत्र मारता है, हैरी छिप जाता है। और जब वोल्डेमॉर्ट कहता है कि हैरी इसलिए फेमस होगा कि उसने दया की भीख मांगी, हैरी पूरे ब्रेवरी के साथ उसके सामने आ जाता है और दोनों एक साथ शाप मारते हैं, वोल्डेमॉर्ट किलिंग कर्स और हैरी डिसार्म करने का, और दोनों के मंत्र आपस में टकरा जाते हैं, जिससे वोल्डेमॉर्ट के वॉन्ड से जो पिछले लोग मरे थे उनकी छवि सामने आती है, जैसे सेड्रिक, फ्रैंक ब्राइस और हैरी के पेरेंट्स, जिसमें सेड्रिक कहता है कि मेरी बॉडी को मेरे डैड को दे देना, और हैरी के पेरेंट्स कहते हैं कि जैसे ही कनेक्शन टूटे जाकर कप को पकड़ लेना। हैरी कनेक्शन तोड़ता है, सारे धुएं वोल्डेमॉर्ट की तरफ जाते हैं। हैरी फटाक से सेड्रिक की बॉडी के पास जाकर पोर्ट की कप को बुलाता है और वापस हॉगवर्ट्स ग्राउंड पहुंच जाता है। पहले कुछ सेकंड सबको समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, सबको लगता है कि दो लोग जीत गए, पर फिर रियलाइज होता है कि सेड्रिक की तो लाश वापस आई है। हैरी बताता है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया। मूडी उसे वहां से अपने रूम में ले जाते हैं और वोल्डेमॉर्ट के बारे में पूछते हैं, और ये भी कि कब्रिस्तान में और कौन कौन था। साथ ही मूडी को बेचैनी सी भी होने लगती है। हैरी को रियलाइज होता है कि उसने तो कब्रिस्तान का नाम ही नहीं लिया, तो फिर मूडी को कैसे पता। मूडी बोलते हैं कि उनके कहने पर ही हैग्रिड ने हैरी को ड्रैगन्स दिखाए, उन्होंने ही सेड्रिक को एग के बारे में बताया, या नेविल को बुक दी ताकि वो गिलीवीट के बारे में हैरी को बताए। हैरी को समझ आ जाता है कि इन सब के पीछे मूडी ही था, उसने ही हैरी का नाम गॉबलेट ऑफ फायर में डाला था। मूडी कहता है कि उसने हैरी को जिताया क्योंकि वो ही चाहता था कि हैरी कब्रिस्तान पहुंचे और वोल्डेमॉर्ट जिंदा हो जाए। मूडी का चेहरा बदलने लगता है और वो हैरी को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ स्नेप, डंबलडोर और मैकगोनिकल आ जाते हैं, और फिर सबको पता चलता है कि वो असली मूडी नहीं है, बल्कि असली मूडी तो रूम में ही रखे बॉक्स के अंदर कैद हैं, और वही इंसान पॉलीजूस पोशन बनाने के लिए स्टोर से आइटम्स चुरा रहा था, और वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि बार्टी क्राउच जूनियर था। वो अपने असली रूप में आ जाता है और डंबलडोर कहते हैं कि अज़्काबान में खबर कर दो कि उनका कैदी फरार है। अगले सीन में डंबलडोर सबको सेड्रिक की खूबियां बताते हैं और वोल्डेमॉर्ट की वापसी के बारे में और उसकी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में भी बताते हैं कि वो इसी स्कूल में कभी पढ़ता था और उसका असली नाम टॉम रिडल था। वो सबको एक दूसरे के करीब रहकर एक दूसरे का साथ देने का कहते हैं। और अगले दिन स्कूल का आखिरी दिन होता है, सब एक दूसरे को फाइनल गुड बाय करते हैं। हैरी, रॉन, हरमाइनी भी एक दूसरे को हर हफ्ते चिट्ठी लिखने का वादा करते हैं और सभी लोग वापस चले जाते हैं।